वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में राजवीर और करण दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे, जहां पर करण को यहां पर राजवीर पलट जवाब देगा और उसके साथ साथ वो यहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा। राजवीर के मन में अभी भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि पास्ट से जुड़ी हुई हैं और राजवीर यहां पर करण को अपने पिता को मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहा है और आने वाले एपिसोड में इसी बात को लेकर राजवीर और करण के बीच में बहस शुरू होने वाली है और आने वाले एपिसोड में शौर्य को जेल से बाहर निकालने की यहाँ पर जो दौड़ भाग रहेगी दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में वरुण से रिलेटेड भी कई सारी बातें आप सबको दिखाई जाएंगी जिसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे। चलिए सारी बातें बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा क्या नहीं, लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आप सबको और भी अपडेट चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो चैनल मेंबरशिप को ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही कि अब यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, किसी और को नहीं बल्कि यहां पर राजवीर को पास्ट को लेकर और उसके साथ साथ प्रेजेंट में जो करण कर रहा है उसको लेकर, जिसमें यहां पर पास्ट की पूरी तरह से याददाश्त की जीत होती है और यहां पर राजवीर पूरी तरह से करण के ऊपर बरस पड़ता है। करण यहां पर पूरी तरह से राजवीर को अपना बेटा बुलाता है, राजवीर के पास में जाने की कोशिश करता है, उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन राजवीर को यह नहीं पता कि करण को यहां पर सारी बातें पता है कि वो उसी का बेटा है। और आने वाले एपिसोड में अब यहां पर इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने वाली है, जहां पर राजवीर करण को बोलते हुए नजर आएगा कि आखिर में ना तो मैं आपका बेटा हूं और ना ही आप मेरे पिता हो, तो आप मेरे बीच में आना बंद कर दो, नहीं तो यहां पर काफी ज्यादा गलत हो सकता है। ये बात सुनकर करण काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीता सोच रही होती है काव्या के बारे में कि आखिर में वो उसे कैसे बचाए और वरुण की सच्चाई कैसे सामने लाए। वैसे आपको क्या लगता है ये दोनों कामयाब हो पाएंगे या नहीं, कमेंट करके